इस कहानी का शुरुआत होता है 1960 से, जिसमें दिखाया जाता है कि एक रेलगाड़ी फ्रांस से मेक्सिको के तरफ जा रही है, जिसमें बहुत से यात्री हैं और यह एक VIP ट्रेन है जो रात में सफ़र कर रही होती है, जिसमें बहुत सारे यात्री थे। और यह एक शैतानी ट्रेन भी है, क्योंकि इसमें 200 मिलियन वर्ष पहले ही एक शैतान मरा था जो आज भी जिंदा है और कैद है। मूवी के दूसरे सीन में एक शख्स को दिखाया जाता है जो इस रेलगाड़ी का कर्मचारी था, जो हेड ही था, और इसको पहले से पता था कि ये रेलगाड़ी में एक शैतान रहता है जिसको ये मिलकर कैद कर रखे हैं। बाकी यहाँ सीन कट होता है और मूवी में सारे कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि अलग अलग यात्री अपने अपने बोगी में बैठे हैं और मजे कर रहे हैं। मूवी के दूसरे सीन में टॉम को दिखाया जाता है जो किसी बोगी का दरवाजे का नॉट खोल रहा था और उसको खोलने की कोशिश कर रहा था लगातार। इसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से खोलकर कहीं दूसरी बोगी में जाता है, तब तक देखते हैं कि एक शैतान का हाथ निकलता है उस दरवाजे से और वो ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देख लेता है टॉम और उसको डर हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये उसने क्या देख लिया। फिर वो दरवाजे के पास आता है और देखता है कि फिर से वो शैतान खोल रहा है, और जिसे देखकर टॉम बुरी तरह से डर जाता है। और तब तक ये शैतान खोल चुका था उस दरवाजे का ताला, लेकिन वहाँ जल्दी से टॉम आ जाता है और टॉम वहाँ पर आकर वो जल्दी से उस सीकड़ को पकड़ लेता है ताकि उसको खोलकर शैतान बाहर ना आ सके। लेकिन फिर क्या, फिर वो जैसे ही पकड़ता है अंदर से शैतान देखता है उसको, और टॉम भी उसे नज़र से नज़र मिलाता है, और फिर वहीं पे वो अपने आँखों से जादू कर देता है टॉम को, जिसे टॉम का बुरी तरह से वहीं पे मौत हो जाती है। मूवी का सीन कट होता है यहाँ पे और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शैतान आज़ाद हो चुका है और इस यहाँ से निकल जाता है वो शैतान, और वो शैतान बाहर होता है, एकदम फ्री हो जाता है। और इधर किसी को भी पता नहीं बोगी में कि शैतान फिर से बाहर आ गया, क्योंकि कुछ गिने ही चुने लोग को पता था कि इस रेलगाड़ी में शैतान भी हैं जिसको वो कैद करके रखे हैं। और फिर क्या होता है कि बोगी का दो दरवाज़ा होता है, एक आगे होता है एक पीछे, तो पीछे वाला दरवाजे से वो शैतान आज़ाद हो चुका था और ये आगे वाले दरवाजे को लॉक करके ये शांति से बैठे हुए थे कि शैतान अभी अंदर ही हैं। फिर कुछ सिरफिरे लोग लॉर्ड कैनिंग को मजबूर कर देते हैं कि ये क्यों बंद करके रखे हो, इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसमें क्या छुपा रखा है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग मना करता है, बोलता है कि मुसीबत आ जाएगी अगर खोलोगे इस दरवाजे को, क्योंकि इसमें वो चीज़ है जो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, देख भी नहीं सकते हो। लेकिन इन सिरफिरे लोग को कुछ अलग ही खुजली मची थी। फिर ये सिरफिरे लोग उस ताले को तोड़ देते हैं और उस दरवाजे को खोलते ही इनका हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ टॉम का लाश पड़ी हुई थी, डेड बॉडी। इसके बाद इनका हालत ख़राब हो जाती है और ये लोग मिल के बोलते हैं कि अब उसको शैतान को खोजना होगा और उसे अलर्ट होना होगा। और ये लोग अपने सैनिक को बोलते हैं कि वो अलर्ट रहे और जहाँ भी शैतान मिले उसे बंदूक से मार दे। और फिर क्या होता है, इसका अगला बुरा परिणाम ये होता है कि यहाँ पे एक सैनिक जो होता है जो हर एक बोगी में खोजता है कि शैतान कहीं बाहर बोगी में तो नहीं है, और फिर यहाँ फाइनली शैतान आ जाता है और एक सैनिक को मार देता है यहीं पे। और ऐसे ही यहाँ मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शैतान जो है एक एक करके सभी को मारने शुरू कर देता है, फिर दूसरे सैनिक को भी मार देता है जो यहाँ ट्रेन में सुरक्षाकर्मी के रूप में थे। इधर अलग बोगी में लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था, जो यात्रा कर रहे थे मुसाफिर, उनको क्या पता था कि इस ट्रेन में क्या हो रहा है, और वे लोग अपने मजे ले रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं। फिर एक दूसरी तरफ एक औरत का लाश मिलता है जो बुरी तरह से इविल डेड था, जिसको शैतान मार चुका था, मतलब उसका खेल शुरू हो चुका था। यहाँ पे सीन कट होता है और लॉर्ड कैनिंग को दिखाया जाता है जो रेलगाड़ी का कर्मचारी था, वो तो एकदम कन्फ्यूज था, तो अब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए ताकि बाकी ट्रेन में जो सफ़र कर रहे यात्री हैं उनका जान बचाया जा सके। इसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम होता है जेरी, वो बोलता है कि तुम कौन हो, तुम तो साधारण आदमी हो नहीं सकते लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि यहाँ पे जो भी मंजर हो रहा है उसका जिम्मेदार तुम ही, क्योंकि तुम पहले ही बता सकते थे कि इस ट्रेन में शैतान रहता है, लेकिन तुमने ये राज छुपाए। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग सबको समझाता है कि वो बोलता है कि इस टाइम बात करने का समय नहीं है और हम लोग को धैर्य से काम लेना चाहिए। और इधर शैतान का अलग ही खुजली मची हुई थी, वो यात्रियों को एक एक करके मार रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जेरी जो होता है उसको भी शैतान अपने कब्जे में कर लेता है और उसको भी फाइनली मार ही देता है।
और अब ट्रेन में जितने भी सफ़र कर रहे यात्री हैं, सबको पता चल चुका था कि इस ट्रेन में शैतान भी हैं जो अब आज़ाद हो चुका है। और फिर ट्रेन में सब यात्री जो होते हैं वो अलर्ट हो चुके होते हैं। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो होता है वो ट्रेन में सफ़र कर रहे सारे यात्रियों को अटेंशन देता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें बचना है तो मुझसे मिलना होगा और मेरे कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, मेरी हेल्प करना होगा। और फिर क्या होता है कि वो ट्रेन के पटरी जो होता है उसको चेंज करवा दे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग को पता चल चुका था कि शैतान जो है वो इंजन में नहीं है बल्कि ट्रेन के सबसे पीछे वाली बोगी में वो है, अभी इधर ही आ रहा है। और इसलिए वो बोगी का जो डब्बा होता है वो डब्बे वाला नट ही खोल देते हैं, आधे आधे ट्रेन का नट ही खोल देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि वो ट्रेन तेज़ी से चल रही होती है और नट खोल देते हैं, जिससे शैतान जो होता है वो पिछले हिस्से के बोगी में ही रह जाता है। और वो ट्रेन जो होती है जिसका पिछले हिस्सा बोगी उसी में शैतान रहता है। और ट्रेन के जो पटरी चेंज करने की वजह से बोगी जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बोगी एक खाई में गिर जाता है पहाड़ से, और उसी में शैतान रहता है, जिनकी वजह से वहीं पर शैतान का खत्मा हो जाता है और ये फाइनली बच जाते हैं जो भी अभी बचे हुए होते हैं ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री। और फाइनली गाइस यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।